बिल्कुल उसी ने मुझे उकसाया, तो पहले मैं क्यों बात करूं उससे। चिंग चिंग, मिस जियांग, नानजाओ से मिलने आई हो? बस यहाँ से गुजर रही थी। अभी उसकी मीटिंग खत्म हुई है, अभी लंच ब्रेक चल रहा है, तुम्हें कुछ काम था, तुम आई हो, क्या मैं उसे उठा दूं? कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। बढ़िया ही, मेरे लिए उसे जगाएगी, ऐसे बात करती जैसे उसकी गर्लफ्रेंड हो, मैं ही उसके लिए ठीक हूँ। क्योंकि इस वक्त तुम मुझे बेचारे लग रहे हो, तो इसलिए अभी के लिए छोड़ रही हूँ तुम्हें, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हेलो, हेलो, क्या आप मिस जो बोल रही हैं? जी हाँ, मैं आपको, हाँ, मैं सेंका प्रेस से एडिटर बात कर रहा हूँ। एक बात थी, हमें पैराडाइज स्ट्रीट 19 बहुत अच्छा लगा, तो क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? एक मिनट रुकिए, कौन सी पब्लिशिंग हाउस से बात कर रहे हैं? सेंका प्रेस, हम चाइना में कॉमिक्स पब्लिशिंग के लिए बहुत मशहूर हैं, हमने बहुत क्लासिक काम पब्लिश किए हैं। मुझे पता है, पता है, मैंने वो सारी किताब पढ़ी है जो आपने पब्लिश किया हुआ है। मुझे खुशी है कि आपको पैराडाइज स्ट्रीट 19 पसंद आई, और मुझे गर्व महसूस होगा जब मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूंगी। मिलकर अच्छा लगा, अगर आपके पास वक्त है तो हम क्या मिलकर बात कर सकते हैं? क्या आप फ्री हैं? जी हाँ, मैं हमेशा फ्री हूँ। नानजाओ, नानजाओ ये लो, तुम्हें कुछ ओढ़ कर सोना चाहिए था, तुम्हें ठंड लग जाती। थैंक यू। तुम खुद से अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? मुझे हमेशा तुम पर ध्यान देना पड़ता है, तुम कोर मेंबर हो कंपनी के, अगर तुम ही बीमार पड़ गए तो कैसे चलेगा? चिंता मत करो, लेक शिंगलंग के खत्म होने तक मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारे सपने पूरे हो रहे हैं। नानजा, 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 मुझे छोड़कर मत जाना। कभी नहीं, कभी नहीं।
भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गुनंजो, जब तुम घर आए तो बताया क्यों नहीं? इतना सारा सामान क्यों लिया है? इनाम के तौर पे कुछ स्पेशल बनाऊंगी मैं। तो क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया? वैसे तुम आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहे हो और खुद के लिए बहुत कम टाइम है तुम्हारे पास। मैं बहुत दयावान हूँ और मेरा गुस्सा भी शांत हो जाता है, इसलिए माफ किया। चिंग चिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, कहो। ऐसा है कि मेरा घर कंपनी से काफी दूर है, इसलिए मैं उसे बेचकर नया लेने की सोच रहा हूँ। तो हमें शिफ्टिंग करनी होगी, है ना? क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपनी दोस्त के पास रह सकती हो? सिर्फ कुछ दिनों की बात है, नया घर मिलते ही हम तुरंत वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नानजा, क्या तुम आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो? नहीं, बस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में बिजी हूँ। मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो और प्रेशर भी बहुत है, लेकिन चाहो तो तुम मुझे अपनी सारी बात बता सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तुम्हारे सारे दुख कम कर दूंगी। इसके लिए थैंक यू चिंग चिंग। अरे अब बस भी करो, इतने भावुक मत हो, चलो घर चलते हैं।